अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्मोकर इन्फेक्टेड विद कोरोना, तंबाकू नोशी करने वाले कोरोना से मुतासिर, यानी कि तंबाकू नोशी करने वाले पे कोरोना से किस हद तक मुतासर होते हैं और उन्हें कितना ख़तरा लाक है, इस बात में हम बात करेंगे। ये पेशकश है शायन टीवी की, इसलिए शायन टीवी को बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि हमारे और आपके दरमियान एक ताल्लुक बरकरार रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तंबाकू नोशी करने वाले अफराद पर कोविड-19 का असर, इस मौजे पर ये वीडियो है। लंदन में तंबाकू नोशी के आदि अफराद पर एक जदीद तहकीक हुई जिसमें तंबाकू नोशी करने वाले 24 लाख अफराद के तबी रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। इस तहकीक में ये बात सामने आई कि तंबाकू नोशी करने वाले अफराद में कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा होता है। तंबाकू नोशी करने वालों में कोविड-19 के अलामत ज़्यादा पाई जाती है। इस तहकीक से यह साबित हुआ कि आम अफराद के मुकाबले में तंबाकू नोशी करने वालों को कोविड-19 अलामत के नशोनुमा में 14% ज़्यादा ख़तरा होता है, जबकि इन लोगों में आम अफराद के मुकाबले में 5 से ज़्यादा अलामत के अमकान 29% और 10 से ज़्यादा अलामत के अमकान 50% होता है। तहकीक में मज़ीद बताया गया कि तंबाकू नोशी ना करने वालों के मुकाबले में सिगरेट नोशी करने के आदि अफराद के अस्पताल में दाखिल होने के अमकान दुगना ज़्यादा होता है और इन्हें इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड में दाखिले और वेंटिलेटर के ज़रूरत पहले से पड़ सकती है। कई अफराद दौरान इलाज ही दम तोड़ जाते हैं और जो बच जाते हैं सेहतयाबी के बाद तवील मदत तक खांसी, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की मामूल किल्लत का सामना होता है।